कांग्रेस इस नारे में ही उलझी रही कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, और छत्तीसगढ़ के लोगों ने अपने चुनावी हुक्म सुना दिया कि छत्तीसगढ़िया के लिए तो बीजेपी ही बढ़िया है, और इसमें भी छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने सबसे बड़ी भूमिका निभा दी। जो आदिवासी कांग्रेस के परंपरागत वोटर माने जाते थे वो बीजेपी के साथ चले गए। हमने गुजरात के चुनाव परिणामों में भी ये देखा है, जिस कांग्रेस ने आदिवासी समाज को कभी पूछा तक नहीं, उस आदिवासी समाज ने कांग्रेस का सफाया कर दिया। यही भावना आज हमने एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी देखी है। कांग्रेस जिस गढ़ में हार से सबसे ज्यादा सन है वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की आबादी 32% है और उनके लिए आरक्षित सीटें 29 है। 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 29 में से 26 सीटें जीती थी, जो इस बार घटकर 11 रह गईं। उसी तरह बीजेपी को 2018 में आदिवासी सीटें सिर्फ 3 मिली थीं, लेकिन इस बार वो बढ़कर 17 हो गई हैं। यानी आदिवासियों की ये 17 सीटें नहीं मिली होती तो बीजेपी बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर पाती। दरअसल छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के बीच धर्मांतरण का मुद्दा एक गंभीर सवाल बनता गया। बीजेपी ने भूपेश बघेल सरकार पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के दरबार का एटीएम बनाकर रखा है, एटीएम बनाकर रखा है। छत्तीसगढ़ के मेरे आदिवासी युवा के अधिकार का पैसा दिल्ली दरबार की कांग्रेस की तिजोरी में जाता है, दलित युवा का पैसा दिल्ली दरबार की कांग्रेस की तिजोरी में जाता है, और मेरे पिछड़ा वर्ग के युवा भाइयों बहनों का अधिकार भी ये इनके एटीएम के थ्रू दिल्ली में जाता है, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार। दूसरी तरफ बीजेपी ने आदिवासी वोटों की मोर्चाबंदी के लिए अपने सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा बस्तर में कराई। वहां गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। उसी तरह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी की दूसरी परिवर्तन यात्रा आदिवासी बहुल जशपुर में शुरू की। इससे बीजेपी ने आदिवासी वोटों को अपनी झोली में कर लिया, जिसके बारे में कांग्रेस इसी भ्रम में जीती रही कि आदिवासी तो उनके सिवाय कहीं जाएंगे ही नहीं। छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश में भी यही हुआ। यहाँ भी आदिवासियों की पसंद बीजेपी हो गई। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें 47 हैं। 2018 में बीजेपी ने 16 आदिवासी सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार उसकी 8 सीटें बढ़ गईं और उसने 24 सीटें जीत ली। दूसरी तरफ कांग्रेस ने 2018 में 30 सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार उसकी 8 सीटें घट जाने से कांग्रेस को 22 सीटें ही मिली। उसी तरह राजस्थान में बीजेपी को 2018 में 9 आदिवासी सीटें मिली थीं, जो इस बार बढ़कर 12 हो गई हैं। वहीं कांग्रेस को 2018 में 12 सीटें मिली थीं, जो इस बार घटकर 10 हो गई। बीजेपी ने बहुत बारीकी से आदिवासियों के दिल में उतरने वाली जुगत पर काम किया। एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर पीएम मोदी पहले ही संकेत दे चुके हैं कि उनके दिल में आदिवासियों के लिए कितनी जगह है। उस पर से बीच चुनाव में आदिवासियों के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा के गांव जाकर भी उन्होंने चुनाव वाले राज्य को संकेत दे दिया। जवाब में आदिवासियों के वोट ने बीजेपी को 3-3 राज्यों में सरकार बनवा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।